गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री सुनील अरोड़ा जी ने कुछ समय पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया कि चार राज्यों में और एक यूटी में जो चुनाव होने हैं उसका क्या प्रारूप होगा और कितने चरणों में ये चुनाव होंगे। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी जानकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझी की, जैसे कि लगभग 18.68 करोड़ वोटर्स जो हैं इन इलेक्शंस के दौरान वोट करेंगे और 2,70,000 के करीब पोलिंग स्टेशंस होंगे। उनका ये भी कहना था कि सभी पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो ग्राउंड फ्लोर पर होंगे और ये नॉन नेगोशिएबल हैं। इसके अलावा उनका ये कहना था कि जितने भी पोलिंग के लिए वॉलंटियर्स लगेंगे या जो कर्मचारी पोलिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए इन्वॉल्व होंगे उन सबको पहले कोविड की वैक्सीनेशन दी जाएगी। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का भी धन्यवाद दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के बाद इलेक्शंस हैं और एमएचए की तरफ से हमें पूर्ण रूप से सपोर्ट मिल रही है, चाहे वो फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट हो या ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत की आवश्यकता दिखाई देती हो। इसके अलावा उन्होंने कोविड की जो वैक्सीन आई है उसको भी एक प्रमुख कारण बताया कि बिहार के इलेक्शंस के बाद अब ये 5 इलेक्शंस सुचारू रूप से कंडक्ट किए जा सकेंगे। वहीं पर उन्होंने जो कैंपेनिंग का समय है उसके बारे में भी बात की, रोड शोज़ के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि रोड शोज़ अलाउ किए जाएंगे पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर होंगी। वहीं पर सुनील अरोड़ा जी ने ये भी बताया कि पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग का टाइम जो है वो 1 घंटा बढ़ा दिया जाएगा। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जितने भी किसी भी प्रकार से बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं या व्हीलचेयर पर ही जा सकते हैं या किसी को अगर कोविड के भी सिम्टम हैं तो जो पोलिंग स्टेशंस पर वॉलंटियर्स होंगे वो उनकी मदद सुचारू रूप से करेंगे, प्रॉपर तरीके से करेंगे और ये प्रयास रहेगा कि पोलिंग जो है वो आसानी से निपट सके। अंत में उन्होंने ये भी कहा कि ये उनकी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी क्योंकि उनका टर्म जो है वो जल्द ही ख़त्म होने वाला है और सभी मीडिया पर्सोनल्स का उन्होंने धन्यवाद भी किया। चलिए अब बात करते हैं कि कौन सी स्टेट में और किस यूटी में कितने चरणों में इलेक्शंस होंगे। सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में जो है वो 3 चरणों में इलेक्शंस होंगे। पहला चरण जो होगा वो मार्च 27 को होगा, दूसरा चरण अप्रैल 1 को होगा और तीसरा चरण जो होगा अप्रैल 6 को होगा। यहाँ पर 126 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनके लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा। दूसरा बात करते हैं केरला की। केरला का इलेक्शन जो है वो एक ही चरण में होगा और 6 अप्रैल को होगा और यहाँ पर 140 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा। वहीं पर अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो तमिलनाडु भी सिंगल फेज इलेक्शन होगा 6 अप्रैल को और यहाँ पर 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा। पुडुचेरी जो कि एक यूटी है और हम जानते हैं कि हालिया दिनों में कांग्रेस सरकार वहां पर अपना फ्लोर पर जो अपना समर्थन खो चुकी थी और अब वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है, तो पुडुचेरी में जो इलेक्शन होगा वो 6 अप्रैल को ही होगा और यहां पर 30 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए इलेक्शन लड़ा जाएगा। अब बात करते हैं सबसे बड़ा जो एक मुद्दा काफ़ी समय से हम देखते हुए आ रहे हैं, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहे हैं, वार करते रहे हैं और वो राज्य है वेस्ट बंगाल, जहाँ पर प्रेजेंट जो सत्ताधारी दल है वो टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, और वहाँ की जो सीएम है वो ममता बनर्जी जी हैं। हमने ये देखा है कि अभी असम के दौरे के बाद वेस्ट बंगाल में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ पर काफ़ी रैलियों को संबोधित किया और कई डेवलपमेंट प्लान्स की उन्होंने घोषणा भी की। उससे पहले भारत के गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ के दौरे लगाते रहे हैं और परस्पर ये देखा गया है कि एक जो मनमुटाव है या एक दूसरे पर जो आरोप प्रत्यारोप है ये दोनों पार्टियों की तरफ से लगातार होते रहे हैं। 2021 का वेस्ट बंगाल का इलेक्शन अपने आप में काफ़ी मायने रखेगा। टीएमसी जो है वो अपना दूसरा टर्म यहाँ पर पूरा कर चुकी है। ये देखने वाला होगा ये इलेक्शन इसलिए कि क्या टीएमसी वापस आ पाएगी, क्योंकि एक और वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि बीजेपी ने एमपी इलेक्शंस के 2019 के इलेक्शंस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत बड़ी छलांग लगाई थी अपने वोटर बेस में और ऐसा माना जा रहा है कि ये मुकाबला जो होगा ये इन दो पार्टियों के बीच में होगा और सत्ता पक्ष पूरी कोशिश करेगा कि वो फिर से कुर्सी पर काबिज हो सके और बीजेपी का ये प्रयास रहेगा कि वो वेस्ट बंगाल पर अपनी सरकार पहली दफ़ा बना सके।
कितने चरणों में यहाँ पर चुनाव होगा, क्या परिणाम होंगे वो तो आने वाला वक्त बताएगा, पर कितने चरणों में होगा वो हम आपको अभी बताते हैं। पहला चरण जो है वो मार्च 27 को है, दूसरा अप्रैल 1 को है, उसके बाद अप्रैल 6 को है, अप्रैल 10 को उसके बाद है, अप्रैल 17 जो है वो पांचवा चरण है, अप्रैल 22 जो है वो छठा चरण है, अप्रैल 26 जो है वो सातवां चरण है, और अप्रैल 29 को आठवां चरण। तो कुल 8 चरणों में यहाँ पर मतदान की प्रक्रिया जो है वो पूरी होगी। टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज अगर हम बात करें तो बंगाल में आती है 294। काउंटिंग जो है सभी 5 जो ये असेंबली इलेक्शंस होंगे, 4 स्टेट्स के और एक यूटी का, मई 2 को इन वोट्स की काउंटिंग शुरू होगी। खैर, ये थी आज की बड़ी खबर। आप हमारे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में हमारी मदद कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।